अब लगा लीजिए ना एक साथ, तो पूजा में विघ्न हो जाएगा, पूजा में विघ्न हो जाएगा। पूजा में हवन कराने का हमारा है प्रयोजन कि यहाँ पे हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, वो पूरे तरीके से सो चुकी है। 1500 से भी ज़्यादा बच्चे लोग उधर कोटा में फंसे हुए हैं, और लेबर क्लास हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, तमाम लोग बाहर अदर स्टेट में हुए हैं। तो उनको वापस लाने के लिए यह हवन पूजा, और नीतीश कुमार जी की बुद्धि खराब हो गई है, उनका बुद्धि को वापस लाने के लिए यहाँ हवन पूजा हम लोग करने का काम करते। तो अदर स्टेट क्यों ला रही है? अदर स्टेट भी तो लाने का काम कर रही है अपने अपने राज्यों में। तो नीतीश कुमार जी क्यों सोए हुए हैं? नीतीश कुमार जी अभी जाग जाएं। हम इच्छा जता रहे हैं, भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि जितने भी इस महामारी में, जो लॉकडाउन की स्थिति में, जो बच्चियां लोग भी ढेर सारी जो कि फंसी हुई हैं, तो वहाँ अकेले रह रही हैं, तो वो रहना भी ठीक नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि तमाम लोग को वापस लाया जाए, अपने लोगों को तो कम से कम वापस लाया जाए अपने स्टेट में। हमारे तरफ से है बस वगैरह का हम व्यवस्था किए, अगर नीतीश कुमार जी हमको परमिशन दें तो हम चले जाएंगे उनको लाने के लिए। अब नीतीश जी की बुद्धि कहाँ, कौन जानता है? वो तो भगवान भी नहीं जानते कि उनकी बुद्धि कहाँ चली गई है। वो अपने जैसे लॉकडाउन में जिस तरीके जो लोग थे, वो अपने घर पे हैं, वहाँ दिल्ली में हमारा घर है, वहाँ हैं, वो सुरक्षित हैं पूरे तरीके से। हम हैं ना बिहार की जनता के लिए, एक भाई वहाँ है तो एक भाई यहाँ है। वो वीआईपी पास बना के आ सकते थे, लेकिन उन्होंने उल्लंघन नहीं किया भाजपा नेताओं की तरह।